नहीं बेबी किसी ने मामा को बोली नहीं किया है अच्छी बात है आपको डरा नहीं सकती है मैं हूँ आपके साथ रूम में गई थी मुझे श्योर करना होगा कि मामा को वो बोली ना कर पाए मैम आपका मेकअप हो गया है खाना तैयार है आकर खा लीजिए आप लोग बाहर किसी ने हमें बुलाया है क्या हो सकता है उन्होंने हमें रिकॉर्डिंग रूम में बुलाया हो वो किसी बच्चे की आवाज क्यों लग रही थी चलें जाकर चेक करते हैं आप सबका स्वागत है हमारे आज के एक्टर शो में तो मैं हूं आज आपका होस्ट और मैं आप सभी को मिलाना चाहूंगा आज हमारे जजस से मूवीज की मलिका शावल होटल फेमस स्क्रीन राइटर श्या और हमारे नेशनल डायरेक्टर शाइजिन हेलो एवरी वन हेलो तो सबसे आखिर में हम आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं हमारी अदाकारा से जो मशहूर पेंटर भी हैं तो स्वागत कीजिए शैनजिंग तो इसी के साथ हम चलते हैं अपने परफॉर्मेंस की तरफ और हमारे कंपटीशन में टोटल अठारह से आ रहे हैं तीन मेंबर्स का एक ग्रुप आज के इस परफॉर्मेंस में हमारे मॉनिटर्स 10 10 पॉइंट्स देंगे और जिनके पॉइंट्स ज्यादा होंगे वो जीतेगा और जो हारेगा आपको तो पता ही है वो एलिमिनेट हो जाएगा और इसी के साथ अब हम बुलाने वाले हैं अपने एक्टर्स को चैन ये, ये और ली जिन् पहले तो हम इन्हें बुलाते हैं ताकि ये हमें अपनी महारता दिखा सके तो चलिए उनका स्वागत करें पांच साल पहले की बात है जी और की जहान का ब्रेकअप हो गया था एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से पांच साल बाद उनकी मुलाकात होती है उन्हीं की कंपनी में तुम हो नो ये मैं हूँ क्या करना क्या चाहते हो तुम मुझे देखकर तुम ऐसे भाग क्यों जाती हो मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी <laughs> ए, तुम्हें ये सब देखकर गुस्सा तो नहीं आ रहा अरे वो देखो देखो ड्रामा लग ही नहीं रहा ऐसा लग रहा है रियलिटी हो देखो ना ये कितनी अच्छी एक्टर है ना खराब ना कर दे वो इमोशन कैच कर पाएगी ना देखने से लग रहा है कि वो अच्छे मूड में नहीं है अब कुछ कह नहीं सकते है ना। तुमने कहा था तुम तो मासूम हो लेकिन ये सब क्या है इसके बाद भी कोई सफाई देना चाहोगी तुम आ, तुम क्या कह रही हो मैं नहीं समझ पा रही वो

सबसे पहले हम अपने मॉनिटर्स के रिव्यूज को जानते हैं और पता करते हैं कि एक्टर्स के बारे में वो क्या कहते हैं जी तो पहले मैं कुछ बातें क्लियर करना चाहता हूँ जैन जी ने बिल्कुल पहले की तरह बहुत परफेक्ट परफॉर्मेंस की है उनके बारे में मजीद कुछ नहीं कहूंगा मैं मेनली बात करूंगा यी जैन जी के बारे में पिछले दो महीने से हम लोग एक दूसरे के साथ टच में हैं और जैसा कि आप लोगों को पता है मुझे एक मूवी बनानी थी और उसके लिए मुझे एक एक्टर और एक्ट्रेस की जरूरत थी और इस मूवी के अंदर एज अ एक्टर और एक्ट्रेस सिर्फ उसे वर्क करने का मौका दिया जाएगा जो कि इस शो के फाइनलिस्ट में सिलेक्ट किया जाएगा असल में इनकी पहली जो परफॉर्मेंस थी उसने मुझे कुछ ज्यादा मुतासर नहीं किया था और मुझे ऐसा लगा था कि आप अभी भी वही सब करेंगी लेकिन आपकी आज की परफॉर्मेंस ने तो मुझे सरप्राइज कर दिया है और आपकी आज की परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट है मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप फाइनल तक पहुँच जाए थैंक यू डायरेक्टर मैं और अच्छा करने की कोशिश करूंगी Uh, मेरे ओपिनियन्स आपसे थोड़े मुख्तलिफ़ हैं दरअसल ये यशंगी की परफॉर्मेंस थोड़ी uh... जाओ अभी चेक करके आओ ये क्यों बज रहा है मैं मैम ये हमारे साउंड इफेक्ट नहीं है आ, माफी चाहूंगा लगता है किसी बच्चे ने हमारे साथ एक शरारत की है तो सबसे पहले मैं यह बताना चाहूंगा कि इस रिजल्ट के आने के आने बाद एक बंदा एलिमिनेट हो जाएगा जज में से पॉइंट्स देंगे और जिनके सबसे ज्यादा पॉइंट्स होंगे वो फाइनलिस्ट होगा हालांकि हम सभी के परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं लेकिन एलिमिनेट होने वाला खिलाड़ी दोबारा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा अब तो सारा फैसला अब जजेस को ही करना है तो इन्हीं से पूछते हैं चलिए और आज ये इंद्रान की परफॉर्मेंस थोड़ी सी अच्छी नहीं थी लेकिन मैं ये चाहता हूं कि वो लोग आगे जाए तो मेरी तरफ से चैनली और इंद्रान मैं तो यही कहूंगी की का परफॉर्मेंस हाँ बहुत ज्यादा कमाल का था मैं चैनली और यशिया को चूज करूंगी अब मैं सभी के पॉइंट्स बताने जा ये बात तो मानी ही, जैन जी ने बहुत इंप्रूव किया है लेकिन ली एन रैन के बारे में बात करूं तो मैं इन एक्ट्रेस को बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ हाँ जी मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ <laughs> इससे टीम को जरा सिलेक्शन करने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है <laughs> अरे सर इसे इतना मुश्किल ना बनाए ओके तो इसे और ज्यादा मुश्किल ना बनाते हुए थोड़ा सा आसान बनाने की कोशिश करते हैं चूज करता हूँ चैन जी अरे सर प्लीज बता दीजिए हमें और सब्र नहीं होता और जी चैन जी को ये तो काफी आसान था हम तो सस्पेंस से मरे जा रहे थे अरे तो फिर शो का मजा ही क्या रहता है ऐसा कि नहीं और वैसे भी मैंने कुछ ज्यादा तंग तो नहीं किया तुम्हें हाँ मुझे याद आया कि मैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी ऐड कर सकता हूँ ना ठीक है जी सैन जी मैं इस अपॉर्चुनिटी को यूज करना चाहता था असल में फाइनल के अंदर पर मैं जो तुम्हें एडवांस में दे रहा हूँ तो तुम मुझे अब मायूस बिल्कुल मत करना तो डायरेक्टर ने अपॉर्चुनिटी ये जियांग को दे दी है और इसी के साथ ली इन के ट्वेंटी पॉइंट्स हैं और ये जियांग के ट्वेंटी फाइव तो ली यन टीम आज एलिमिनेट होती है